यही मैसेज देना चाहना कि इन्हों भी पैर है नहीं, ये सिर्फ गाने ही गाने जोगे ने, असल अदरवाइज ये डर गए ने, सारे ही डर गए ने, ये डैडी भी डर गए हैं क्योंकि सरपंच ने मैं पार्टी बनाई, रादरे दे मम्मी है सरपंच ही ले लैंदा नोटिस, इन्ना ही तगड़ा सी जिहड़ा पटा ते हथ मार मार कहिंदा जट की जमीन होगी तो फलाना हो गया तो ठिकाणा हो गया, वो जाटा च कितने चल गया, कोई देसी बेचारा कोई कामा नहीं है घर बैठा जिन्हों पता नहीं लगा भी मेरा की हो रहा, सारे मीडिया च ईवन लोग टैग कर करके मैसेज छप रहे, चैनलों के उत्ते टैग किया उन्होंने तो वो तक मैसेज पहुँच रहा, वो टीम तक मैसेज पहुँच रहा, वो मोबाइल नंबर जोड़े दिते ने वापा चैनल से भी मैसेज पहुँच चुके हैं, साढ़े पंजाब के कल्चर में गंदा बखाना हूँ उन्हें एक नवा गाँव क्ढे FUCK, मैं पूरा शब्द भी नहीं बोलना चाहता, वो कहता तुम सारे मैं वह करता देखो मेरा भाल की करता, वो उन्होंने औकात है, मैं दसना चाहना भी वो प्रशंसक उस औकात के मालक ने गंदिया गाला लिखने वाले, मेरे किसी प्रशंसक ने उन्होंने गाल लिखी चैक कर लो, और मैं कोर्ट में भी दसिया मैं कहा सर सारिया अखबार सारे चैनलों के लीडिंग न्यूज़पेपर च लीडिंग चैनलों के उत्ते एक बार बार खबर आ रही है तो तरीक वाले दिन अगली तरीक दसी जा रही है फिर भी यह बंदा पेश नहीं हो रहा, यह मतलब यदि पूरी नॉलेज है, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला जी एक्स पार्टी हो गया तो उतू आके हूँ अपीयर नहीं हो सकता सीधा, उन्होंने इस तो पहले इस अदालत एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं मेरे को गलती हो गई या मैं भुल गया या मैं जो भी झूठ सच बोलेगा, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन कंसिडर भी कर सकती है, जुर्माना भी पा सकती है, डिसमिस भी कर सकती है। सत श्री अकाल डेली पोस्ट पंजाबी तुसीं देख रहे हो, लगातार जे कहीए गाणियां नूं लैके विवाद दे विच सिद्धू मूसेवाले दा नाम कई बार वजदा है, उस तो बाद देखा जाए हुण एक केस की लगातार गल हो रही है, गाणा है संजू, उस गाने तो बाद देखा जाए जिस तरह के नाल वकील सुनील मलन दे वल्लों नोट्स भेजे गए, तरीकां अगे अगे पैंदियां गईयां, अज फिर सुनवाई हुई है, इस बारी जिहड़ी मंग करी है वकील ने मंग करी है कि उन्हें एक्स पार्टी बनाया जाए, यानी कि जे वह नहीं आना चाहता तो ना सही, केस की सुनवाई अगे वधाउणी चाहिए है क्योंकि सिर्फ सिद्धू मूसेवाले करके केस की सुनवाई नहीं रोकी जानी चाहिए। सुनील जी साढ़े नाल ने, सुनील जी फिर यही करया भी आखिरकार भी चलो बई जे नहीं आता कोई दूजे जिहड़े विच पार्टी है उन्होंने नाल लैके केस अगे वधाया जाए। देखो इस तरह ये मेरी बड़ी क्लीयर सी पिछली बार ये जो यदि आदत है जिमें मैं इनू समन भेजे पहले आप नोटिस भेजा से वो वापस आ गया जो मैं 15 जून भेजा से, उस तो बाद कोर्ट ने इनू समन भेजा से, कोर्ट ने आर्डर किए से रजिस्ट्री करवाते, रजिस्ट्री के उत्ते भी लिख के आ गया कि लैण तो इनकारी की है, फिर कोर्ट ने मैं पिछली बार रिक्वेस्ट की कि सर ये जेने नहीं ले तो आप इन एक्स पार्टी कर दें, कोर्ट ने कहा कि नहीं सुनील जी एक मौका और दे दें, हले एक्स पार्टी नहीं करते अगली डेट तक वेट कर लें ताकि होर भी जोड़े 15-16 पार्टियां ने बाकी बंदे भी अपीयर हो जाए, सो अल्टीमेटली अज 3:30 तक इंतजार की गई जो कोर्ट का टाइम है रातर 4 तक कह सकते हो तुम, सो कोर्ट ने इनू मैं रिक्वेस्ट की कि जनाब इनू फिर हूँ आप एक्स पार्टी करिए, जिते जड़े जड़े लैफ्ट ओवर डिफेंडेंट्स ने जड़े हुण तक नहीं आ सके या जिन्हां नूं साडे सम्मन ही नहीं पहुँचे चाहे थ्रू अमेरिका भी गए ने मेरे सम्मन यूट्यूब नूं ते उन्हां नूं जिहड़ियां होर कुछ कंपनियां ने ते जिन्हां दे हले तक सानूं वापस नहीं आए या अनसर्वड ने उन्होंने एक मौका देने लिए आप 5B की एप्लीकेशन होंगी है ऑर्डर 5 Rule 20 सबसीट्यूटिड सर्विस जिन्होंने कहने वे मुनादी करना कि पता कोर्ट ने ये ढंडोरा पिटन के आर्डर भी करते हो कोई वड्डी गल नहीं कि चलो पहला रिफ्यूज़ किया एक बार ढंडोरा पटवा दिए पिंड जो हो गया तो विद सिक्योरिटी आप ढंडोरा भी पटा के आवेंगे पिंड जो भी लीगल प्रोसीजर बनता वो मुताबक, जे कोर्ट ने क्या होया सानू ऑर्डर की कापी कल सवेर तक आ जानी है या शाम तक आ जानी है, जो ऑर्डर होने उन्होंने मैं कंप्लायंस करूँगा, ईमेल दे भी रिक्वेस्ट की व्हाट्सएप की रिक्वेस्ट की है और अखबार कढ़ाने की भी रिक्वेस्ट की पब्लीकेशन जिन्होंने आप कहने, सो मैं मानयोग अदालत जो आ हुक्म देगी वो कंप्लायंस आप एज पर लॉ जो बनता जरूर करा, तो एक्स पार्टी वाला जो पूरा प्रोसीजर रहा की है कि आखिरकार क्योंकि अमूमन तौर पर बहुत सारे मामलों के हों होना कि आखिर जो कोई बंदा लैना नहीं चाहता तो नाल ये भी दस दो भी जे सिद्धू मूसेवाले की थावे कोई होर हों क्योंकि कानून की निगाह सब वास्ते एक ही होंगी है, जे यदि जगह कोई होर हों फिर भी इन्ना ही इस तरह के ना सिस्टम होंगे जे कोई मैं ना लैंदा, देखो कानून का प्रोसीजर तो सेम रहा है, रादर मैं कहूँगा सिद्धू मूसेवाले तो कोर्ट ने एक एक्सट्रा मौका दिता है कि रिफ्यूजल तो बाद भी एक डेट वेट की है, यदि थान कोई होर हों शायद तो उन्होंने इन्नी वेट भी ना करते, कोर्ट ने तो क्या भी और मैं कोर्ट में भी दसिया मैं सर सारिया अखबार सारे चैनलों के लीडिंग न्यूज़पेपर च लीडिंग चैनलों के उत्ते एक बार बार खबर आ रही है तो तरीक वाले दिन अगली तरीक दसी जा रही है फिर भी यह बंदा पेश नहीं हो रहा, यह मतलब यदि पूरी नॉलेज है क्योंकि ऑलरेडी मीडिया परसनैलिटी है और मीडिया के उत्ते रहा है,
पर कोर्ट ने देखो कोर्ट ने हर बंदे नूं पूरा मौका देना। मैं वकील हाँ, इहदा मतलब यह नहीं कि मैं जो लिख के देता कोर्ट उहदे ते ही सब कुछ फैसले दे देगी। कोर्ट ही एक ऐसी जगह बची है जिथे दोनों पक्षों की पूरी सुनवाई होंदी है ते उस तो बाद फैसला होंदा। हुण इस केस च की होएगा, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला जी एक्स पार्टी हो गया तो उदू उदी आ के हुण उह अपीयर नहीं हो सकता सीधा, उन्होंने इस तो पहले इस अदालत एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं मेरे को गलती हो गई या मैं भुल गया या मैं जो भी झूठ सच बोलेगा, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन कंसिडर भी कर सकती है, जुर्माना भी पा सकती है, डिसमिस भी कर सकती है। तो उस तो अगली अदालत फिर मानयोग सैशन कोर्ट जाएगा, सैशन कोर्ट देखेगी। जनरली साड़ियां कोर्ट्स कुछ कॉस्ट पा के मौका दिंदियां ने, जुर्माना पा के मौका दिंदियां ने, प्लस उहदे विच इक नाल अंडरटेकिंग लैंदियां ने कि अगली कोई भी प्रोसीडिंग तैनूं कोई एक्सट्रा डेट नहीं दिती जाएगी या कुछ ना कुछ कंडीशन इंपोज की जाती है। वह मानयोग अदालत कानून का हक रखदे होए करदी, ये नहीं कि एक बंदा उन्हें दबाया जाएगा। जो जैनून मौका बनता चीज़ भी नहीं होंगी है, नहीं होंगी तो ये खिलाफ या जो भी फैसला खिलाफ, मैं शब्द नहीं वरतूँगा सॉरी, मैं कहूँगा भी जो भी कोर्ट का फैसला होएगा मेरी इस पटीशन पर। हुण दूजी जिहड़ियां पार्टियां अपीयर हो गईयां जवाब देणगियां, मैं उहदा रैप्लीकेशन दूंगा, एविडेंस ते लगेगा, क्रॉस होएगा, ते मानयोग अदालत नूं जो बेस्ट लगेगा उहदा उह फैसला सुना दिता जाएगा। फिर उस फैसले नूं लागू कराउण लई सिद्धू मूसेवाले दे खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई चल पेगी। यानी कि जे कल नूं केस दे विच तुसीं केस जितदे हो, जे देसी शब्दां च कहीए ते कोई कार्रवाई वास्ते अगे कोर्ट हुकम सुना दिंदा, उहदे च फिर सिद्धू मूसेवाले दे खिलाफ कार्रवाई सीधी होगी? यानी कि उहदे विच कोई जरूरी नहीं उहनूं सुनिया नहीं जाएगा, उहनूं पुछिया नहीं जाएगा, ते नाल ही भी दस दो फिर भी जे कार्रवाई तां सीधी होगी अगला बारो बार फिर उच्ची कोर्ट च पग्गिया? कोई गल नहीं जी, फिर भी उत्थे कंडीशनल उहनूं रिलीफ मिलेगा। मान लो कोर्ट ने कहता भी जिन्ना पैसा कमाया तू जमा करा, इनकेस आपां इह सोच लईए, जे मान लो उच्ची कोर्ट च जांदा है अपनी रिविजन च जांदा है तो मानयोग वड्डी अदालत कहेगी कि 50% जमा करा या 100% रजिस्ट्रार जनरल दे अगे जमा करा। नहीं, फिर जिहड़ा पहला नहीं कोर्ट दे कोले नहीं गया उहदी कोई अमानना नीति नहीं मन्नी जांदी? सर उहदे च वी कंटेम्प्ट मन्नी जानी है कि नहीं मन्नी जानी, उहदे उहदियां वी कंडीशनां मेरे ते है प्लस कोर्ट ते है, मैं उहदी एप्लीकेशन मूव करनी है, जिस वेले उस चीज़ का मौका आएगा डेफिनेटली असीं उह वी करांगे, क्योंकि बंदा वैल कनैक्टिड है, कोई देसी विचारा कोई कामा नहीं है घर बैठा जिन्हों पता नहीं लगा भी मेरे नाल की हो रहा। सारे मीडिया च ईवन लोग उन्होंने टैग कर करके मैसेज छड़ रहे हैं, चैनलों के उत्ते उन्होंने टैग किया उन्होंने, तो उहदे तक मैसेज पहुँच रहा, उहदी टीम तक मैसेज पहुँच रहा, उहदे मोबाइल नंबर जिहड़े दित्ते ने वापा चैनल ते उहदे उहदे ते भी मैसेज पहुँच चुके ने। पर तुहानूं क्यों लगदा आखिरकार फिर इन्ना इगनोर क्यों कर रहा है कि पूरे मामले नूं, क्योंकि हुंदा तां इह है भी जेकर उह सच्चे ने कल नूं तुसीं गलत हो पाउणे हो, कल नूं तुहाडे ते भी किते ना किते जे देखिया जावे तां कारवाई हो सकदी है, ते नाल ही उह जरूरी नहीं हैगा भी केस तुसीं जितो, इह तां है कोर्ट ने तय करना, फिर खुद मूसेवाला तुहानूं क्यों लगदा क्यों नहीं आउणा पता? डर गया, इह सिर्फ स्टेज ते चढ़ के पट्टां ते ही हथ मार सकदे ने। मैं सोसाइटी नूं इहो ही मैसेज देना चाहुंदा कि इन्हों भी पैर है नहीं, ये सिर्फ गाने ही गाने जोगे ने, असरवाइज अदरवाइज ये डर गए ने, सारे ही डर गए ने, ये डैडी भी डर गए है क्योंकि सरपंच नूं मैं पार्टी बनाया, रादरे दे मम्मी है, सरपंच ही ले लैंदा नोटिस, इन्ना ही तगड़ा सी जिहड़ा पट्टा ते हथ मार मार कहिंदा कि जट की जमीन हो गई तो फलाना हो गया तो ढकाना हो गया, वह जटा च कित्थे चल गया? हुण मैं निका जिहा बंदा, मैं मेरे नोटिस तो डर गया, ले लैंदा नोटिस, एडा ही तो आसान सी है नहीं पल्ले इन्हों कुछ। पर देखा जाए तुम कहते डर गया, पर गाने तो लगता जी देखो हरेक बंद की परसनैलिटी, हूँ जो मैं कोई गल कर रहा जो तुम गल कर रहे हो तो पता लगता भी कोई बंद कितने क तक की गल करता, जे आप चलो देसी भाषा च आ जाइए, पर आखिर फिर गाने देखा जाए बहुत वड्डी गल एक परसनैलिटी है सिद्धू मूसेवाला, हालांकि अलग गल है हूँ चोणों हार हो गई है, मेरे लिए तो नहीं है, तुहाडे लिए होएगा वड्डी परसनैलिटी, मेरे लिए तो आम जहा बंदा, जिहड़ा बंदा कोर्ट च अदालत च सामने पेश नहीं हो सकता उस बंदे की औकात की है? मर्द होवे बंदा हुंदा ते कोर्ट च आंदा लो भाजी मैं आ गया दसो मैं की गलती की है, उस तो पहला नोटिस ही आ जाता, ये प्रशंसक किहड़े ने जिहड़े गालां लिखते हैं तो उन्होंने औकात की जिहड़े गालां लिखते हैं? मेरे किसी प्रशंसक ने गाल कढ़ी ना देखते हुए थोनू हुण भी थले लोग थोनू दिंदे हुए तू उहनां दी औकात है, मैं दसना चाहना भी उहदे प्रशंसक उस औकात के मालक ने गंदियां गालां लिखण वाले, मेरे किसी प्रशंसक ने उहनूं गाल लिखी चेक कर लो, उन्हें मैनू जरूर किया वैल डन या मैनू जरूर किया, मैनू बाहरों फोन आए पुत तो बहुत वधिया काम करता पाया, पंजाब का कल्चर इदा ही बचना है, ये बंदे भी योजे तो इन्हों सुनने वाले तो करने वाले भी योजे,
ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਪਰੂਫ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਰਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਸੰਜੂ ਗਾਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੰਮ ਕਲਮ ਕਹੀਏ, ਆਪਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਅ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਏ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਿਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ FUCK, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਤੇ ਦੱਦਾ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗੇ? ਲੈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੇਡਾ ਕੀ ਸੈਲਟਨ ਮਿਲਟਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਪਰਚਾ ਭਾਵੇਂ 323 ਦਾ ਹੋਵੇ, 323 ਦੇ ਪਰਚੇ 100 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਊਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਕਨਵਿਕਟਿਡ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਖੁੰਦ ਕਦੋਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਨ ਕਲਚਰ, ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਆ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਹ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਨੀਲ ਮਲਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਮਲਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਕਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਮਲਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦਾਸ ਸੁਖੀ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ